हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं मोनालिसा ओडिशा से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त को आप सभी को दिल से मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है, और मेरी चैनल से जो जुड़े हैं उनको, जो न्यू जुड़ने वाले हैं और उनको भी बहुत सारे बधाई है। और आइए अभी मैं दिखाती हूँ मेरी गार्डन का अपडेट। जो मैंने उस दिन सीड डाली थी स्वीट कॉर्न का, और फूलों का थोड़ा देखिए, ये अपडेट फूलों का है। ये फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। ये जो सीड मैंने डाली थी इसमें, वो कलमी वगैरह का तो वो तो नहीं निकला है, बस स्वीट कॉर्न का निकल गया है। ये जो साग डाली थी मैंने, वो हल्का हल्का निकला है, इतना दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा थोड़ा निकला है। ये पुदीना अच्छे से हो गया है बारिश में, जो रिपोर्टिंग किया था इसका। और देखिए ये स्वीट कॉर्न है, ये देखिए सारे स्वीट कॉर्न निकल गए, बहुत बढ़िया से निकला है स्वीट कॉर्न सारे। बाकी ये भिंडी का अपडेट है, जो उस दिन मैंने रिपोर्टिंग की थी भिंडी। ये टमाटो का पौधा लगाने लायक हो गया है, बस बारिश की वजह से मिट्टी नहीं आ पाया अभी तक। और क्यारी में मिट्टी डाल के पोटिंग मिक्स बना के डाल के फिर लगाना है। ये देखिए मेरे लॉन्ग बीन्स का अपडेट, और ये दिख रहे लॉन्ग बीन्स का साइड में, ये जो किचन कंपोस्ट मैंने मिक्स की थी, शायद उसमें टोमेटो का सीड था, वो जर्मिनेट हो गया अपना आप ही। ऐसे ही पौधा मिल जाता है, वो किचन कंपोस्ट बनाने का यही फायदा है। उसमें मिर्च का और टमाटो का काफ़ी सारे बीज अपने आप जर्मिनेट हो जाता है। और ये देखिए बैंगन में, जो बैंगन लगा था उसको चिड़िया या गिलहरी पता नहीं कौन खा गया है। ये प्रकृति का हिस्सा है, जितना इसमें अधिकार मेरा है उतना उनका भी है। ये देखिए इसमें कितना सुंदर फ्रूटिंग हुआ है, तीन चार फ्रूट लगे हैं बैंगन का, सॉरी बैंगन लगे हैं इसमें। ये देखिए उधर एक, ये एक, और इस साइड में और एक, बाकी कितना सारे फूल खिले हुए हैं। इतना छोटे पौधे में इतना अच्छा फल होगा मुझे भी पता नहीं था। ये देखिए ये बैंगन बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें और भी बन रहे हैं। ये कम से कम डेढ़ या दो महीने का पौधा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने इनको जून में हमारा छत का काम, छत डाला जून 6 में, उसके बाद खोलने के बाद मैं इसको जून के बीच में मैं लगाई थी इनको। अभी देखिए अगस्त तक ये फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए और भी कितना सारे कली है, फूल भी है, पूरा पौधा फूल और कली से लदा हुआ है। देखिए इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं, बस ये देखिए हल्दी कितना सुंदर, हल्दी अदरक, ये दो में मैंने अदरक लगाई थी, कितना बढ़िया से ग्रोथ ले रहा है हल्दी और अदरक। और मिर्च में भी देखिए सारे में कली आ रहे हैं छोटे छोटे, और पूरा मिर्च से भर जाएगा पौधा लग रहा है, इतना ज़्यादा इसमें बड़ से। ये पता नहीं कैमरे से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं ठीक से,
ये देखिए कितना सुंदर मिर्च धीरे धीरे बन रहा है इसमें। और ज़्यादा बारिश की वजह से काफ़ी फूल गिर भी गए, कम से कम 6-7 दिन कंटिन्यू बारिश हुआ। वैसे तो बारिश चाहिए, लेकिन इतना लगातार बारिश से पौधों का थोड़ा हालत ख़राब है। इसमें देखिए 3-4 फल लगे हुए हैं और भी बन रहे हैं। ये मेरा तोरी का पौधा है, देखिए ये अभी इसको अभी चाहिए मचान चाहिए, इसके लिए अभी बनाएंगे मचान। ये दो बोरी में मैंने तोरी लगाई थी, और ये लौकी का जो उस दिन मैंने रिपोर्टिंग की थी उसी का अपडेट है। ये देखिए भिंडी भी सेट हो गया अच्छे से, अभी धीरे धीरे भिंडी का ग्रोथ भी आएगा। ये देखिए गेस्ट आया है हमारे बगीचे में, ये कितना छोटी सी बर्ड है देखिए। ये फूल से अपना चोंच डाल के पता नहीं हनी ले रहा है शायद। ये देखिए कितना छोटा सा बर्ड है, इस फूल से उस फूल, उस फूल से इस फूल, बस इधर से उधर घूम रहा है। इन्हीं के वजह से पॉलीनेट होता है, फूल से फल कन्वर्ट होता है। ये वो पॉलीनेटर है, जैसे तितली, भौंरा और ये छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं और चींटी वगैरह, ये पॉलीनेट कराते हैं। और बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में जो जुड़ रहे हैं, जो रोज़ देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही, मैं आपके लिए कोई अच्छा नया वीडियो बना के फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। और सभी को दोबारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। बाय।